दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान 21 अप्रैल को ईद के एक दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसे आज सिनेमाघरों में 12वां दिन चल रहा है और फिल्म अब भी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान को इंडिया में 4,500 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया और फिल्म को दुनिया भर में 5,700 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था। किसी का भाई किसी की जान फिल्म में हमें सुपरस्टार सलमान खान, पूजा हेगड़े और साउथ एक्टर वेंकटेश सर लीड रोल प्ले करते हुए नजर आए। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान फरहाद सामजी के डायरेक्शन में बनाई गई है, जिसका बजट 100 करोड़ से अधिक है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि फिल्म अपने 12वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही है। इसके साथ ही हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सलमान खान की फिल्म ने अपने 11 दिनों में दुनिया भर से कितना कलेक्शन किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने अपने पहले दिन इंडिया से 15,81,00,000 का नेट कलेक्शन किया, तो वहीं फिल्म ने अपने पहले दिन दुनिया भर से 29,81,00,000 का कलेक्शन किया। उसके बाद फिल्म ने अपने 3 दिनों में 68,17,00,000 का कलेक्शन इंडिया से किया, तो वहीं फिल्म का 3 दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 112 करोड़ रहा। उसके बाद फिल्म ने अपने 7 दिनों में इंडिया से 92,50,00,000 का नेट कलेक्शन किया और फिल्म ने दुनिया भर से अपने 7 दिनों में 151 करोड़ का कलेक्शन किया। उसके बाद फिल्म ने अपने 10 दिनों में 102 करोड़ का नेट कलेक्शन इंडिया से किया, तो वहीं फिल्म का 10 दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 165 करोड़ हुआ और फिल्म ने अपने 11वें दिन 2,50,00,000 का नेट कलेक्शन इंडिया से किया। अब बात कर लेते हैं फिल्म अपने 12वें दिन यानी आज इंडियन बॉक्स ऑफिस और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर रही है। सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान अपने 12वें दिन इंडिया से लगभग 2,40,00,000 का नेट कलेक्शन कर रही है और फिल्म का 12 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 106,70,00,000 हो रहा है, तो वहीं फिल्म अपने 12 दिनों में पूरे वर्ल्ड से लगभग 173 करोड़ का कलेक्शन कर रही है।